हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे। मैं बेसिकली जो व्लॉगिंग करती हूँ वो सैटरडे संडे बेसिस पे करती हूँ। वैसे मेरे पास टाइम भी नहीं होता और मेरे पास उसके अदर वीक डेज पे मेरे पास कुछ काम भी नहीं होता करने के लिए। तो आज देखते मैं क्या करूँगी पूरे दिन। आज जो है काफल खाऊंगे मैं, हमारे यहाँ का फेमस है। क्या बोलते हैं, अगर मैं यहाँ 2 महीने रह के काफल नहीं खाया तो सोचे मैंने क्या, मतलब मेरा रहना ना जो बोलते वेस्ट है। तो देखते हैं, आज शायद चाची काफल लेके आई है। अगर आज मैंने काफल, वैसे मैंने खा चुकी हूँ एक बार तो मेरा रहना वसूल हो चुका है। जो मेरा काफल होता है वो गर्मियों के टाइम पे होता है। अभी बहुत सारे हो रहे हैं इधर के टाइम, पूछती हुआ है नहीं मम्मी, मम्मी से पूछती हूँ मम्मी, मम्मी है क्या काफल है नहीं है, कहाँ है कहाँ है कहाँ से। बहुत सारे काफल लेके आई चाची। हाँ अभी प्लेट लेके आ रही हूँ। ये है हमारे इधर के काफल, जैसे मैंने बोला था इतने सारे। चाची है एक, नीचे रहती है, उन्होंने भेजे हमारे लिए। बहुत यम्मी होते हैं यार। पता नहीं मैं आऊंगी वापस तो शायद हम लेके आएंगे। अब मैं अपने लिए काफल लेने जाती हूँ। मम्मी डाल नमक, नमक नहीं चाहिए मुझे। हमारे यहाँ की एक फेमस चीज और है बाल मिठाई, वो भी दिखाती हूँ अगर बची होगी तो, वरना मैं सारी खा चुकी हूँ। देखती हूँ, यस दिखाती हूँ डब्बा क्यों नहीं आ गई पता नहीं, मम्मी सोच रही क्या करे। ये है हमारे उधर की फेमस बाल मिठाई, दिखाता हूँ डब्बा को। ये मैं स्पेशली अपने लिए लाई थी, बस मैंने किसी को नहीं दिया, मैं खा गई सारी। 4 बजी है। तो हाय गाइस, आज हो गया है ट्यूसडे। मैंने संडे के बाद कुछ शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत ही शूट किया था फिर कुछ था नहीं ऐसा करने के लिए। तो आज फाइनली मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर, अपनी जो मेरा नानी का मेन घर है। तो यस, लोग सोचते होंगे कि एक ही टी शर्ट पहने रहती है। यार मैं ना एक ही, मतलब दो एक जोड़ी की कपड़े लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी। मुझे नहीं पता था मैं 2 महीने रुकूंगी, बट मैं 2 महीने रुक गई। तो यस, मुझे इसमें ही कंफर्टेबल फील होता है। मुझे कंफर्ट जोन वाली चीज़ होती इसमें मुझे अच्छा लगता है। मैं इसको यही टी शर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पहने रहती हूँ। तो यस, आज पापा मम्मी मैं जा रहे हैं, हमें कुछ काम है, कल सुबह हम लोग आ जाएंगे, मैं वहीं से आज काम करूँगी। तो जाने के लिए हो गए हैं रेडी। ये मैंने ले लिया अपना बैग। एक दीदी और आ रही है हमारे साथ, वो बहुत दूर से आएगी आगे, उधर से पता नहीं दिख तो रही नहीं मम्मी, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, पता नहीं कितना है वो। नीचे दिखाता हूँ किधर है मेरे नानी का घर, यहाँ से ये रहा बहुत दूर। मम्मी चल गई, चल मम्मी कुत्ता है। तो रास्ते में हमारा हो रहा है काफल का पेड़। मम्मी काफल तोड़ेगी कहाँ से, हमारे तो जा ही नहीं सकते मम्मी, बहुत ऊपर है, नीचे भी है शायद। जाऊं कैसे, ये नहीं जाया जाएगा, इधर हो रहा, ये नीचे नीचे भी तो हो रहे, इधर से तोड़ लेती हूँ ना। ओए ओए ओए, आज मम्मी और मैं यहीं ड्रामे करके चलेंगे। देखो ऐसे लगते हैं काफल, लेकिन मम्मी एक भी नहीं हो रहा। ये होता है ऐसे काफल का पेड़, पूरे पेड़ में लगा हुआ। तो वो जो सामने दिख रहा है मेरे नानी का घर है, कितना दूर से मुझे आना पड़ा।
देखो पलटन को लेके जा रही है। हाँ ये मेरी छोटी मौसी है। मौसी पहला जीते रहना, कहाँ आ रहा कितने के जीते रहना, ये देबू जीते रहना, अरे लक्कू आ गई, मम्मी कहाँ है, लुढ़कते पड़कते जीते रहना, मम्मी ऊपर इंतजार कर रही, जाओ ये पानी ले जा रहा, चाय पानी, ये चाय वाले कुछ नहीं कह रही, जान जाओ मम्मी क्या कह रही है, तुझे आने के लिए बोल रही है, मैं पीछे वाले रास्ते से जाऊंगी, हम हमेशा अपनी नानी के घर पीछे वाले रास्ते से जाते हैं, आगे वाला बहुत लंबा लगता है, इतने सारे लोग हैं। ये देखो ये मामी जो ब्लॉग में आती है ना, आज यहाँ गांव के रूप में बन गई, ये हमारी अम्मा ये दूसरी मामी तो खड़ी है, एक मामी मिट्टी से बर्तन साफ कर रही है, अच्छा अरे साबुन है, मुझे लगा छारे से कर रही हो, ओके मेरी मम्मी ऊपर रुक गया, पाँव किधर से देखो, घरेलू में ऐसा ही होता है, इधर से आना पड़ेगा, इधर से आ जाती हूँ, अम्मा पहला क्लोजअप में देख लो मेरी अम्मा को, पैर मत रखो वहाँ, वो है आग, अरे मामी पहला तुम्हारा मुंह सूज क्यों रहा है, गाड़ी से मम्मी ऊपर रास्ते में रुकी काफल खाने के लिए, पता नहीं ये हमारा अम्मा का घर आ गई, कोई नहीं है क्या इधर, अरे ये मेरे बुबू बैठे, ये मामा, अरे बड़े मामा, लच्छी मामी अपना काम कर रही है, ये हमारी सबसे बड़ी मामी, नमस्ते, अभी अभी तो आई हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी मामी लच्छी मामी, वो उनको तो आया था नहीं, मामी बोल रही मन के से आ जाऊंगी, इधर को मामी पहला ये हमारी नानी के टाइम का बहुत पुराना पुलम बोलते हैं, बहुत अच्छा, इधर अच्छा लाल ला लेके तोड़ी हो यार, ये मैंने अपने मामा की बेटी को भेज दिया कि मेरे लिए ला दे यार, कि मुझे यही पसंद है, मेरा फेवरेट है, ये पकेगा किस टाइम पे, ज्यादा अंदर मत जाइए तुझे कांटे लगेंगे, मैंने तेरा हाथ देखा मुझे लगा ये लाल लाल हो रहा, एक दो ही लइयो कच्चे मत लइयो, यार ज्यादा उधर मत जा पुसु गिरेगी तू, यहाँ पेड़ पे चढ़ गई है, मतलब दिखाई भी नहीं दे रही होगी किसी को कहाँ छुप गई, हाँ पक रहे हैं ना, कितने सारे पक गए, देखो देखो मामी का भी हुआ ही नहीं, बस सूपा सर पे लग के खड़ी है, इधर देखो मामी मामी ऐसे करो मामी को शर्म लग गई नहीं अच्छी आओगी, अच्छी आ रही, सुंदर लग रही हो, पुसु लिया ही नहीं है, ये पानी भर गया पुसु, किसकी बाल्टी है, मैंने सोचा चली जाती फिर पता नहीं कब आऊंगी, यार नेट चलने लग गया ना, मुझे पता नहीं था नेट चलता है, ये पुसु मेले लिया है पुला ऊपर को लो मीठे मीठे दियो मैं, अरे यार ऊपर ही बैठी रहेगी, टंटणे ये रहे पुलम, और काफल कब खिलाएगी तू बता बता, वो शर्मा रही है, वो नहीं खिलाएगी मुझे शायद, पानी तो हिला रहा है,
देखो मामी यहाँ लीप रही है, माँ तो मामी पोछा लगाती है, मिट्टी का पोछा लगा रही है। मेरे हाथ भी कमजोर ले हैं। आज पहला दिन है इसलिए। ये मेरी मौसी जो काफल लेके आई, इतने टेस्टी है ये, कितने अच्छे। पहले भी लाती थी, अब भी लाए। ये मामी, ये मेरी छोटी मौसी, मम्मी इधर देख, ये मम्मी, ताई जी इधर देखो, ये ताई जी, ये सबसे बड़ी वाली ताई जी, जसली मौसी, ये मामी अपने बेटे को सुला रही है। पहले नींद तुमने निकाली नहीं निकाली? नहीं तो। मामी दौड़ी आई थी एकदम। वो देखो, ये मल्ली मौसी,